हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्टफ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे अपने एंड्रॉइड फोन को यूज करके एक कमाल का थंडरस्टॉर्म इफेक्ट एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों, चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा प्रीव्यू देख लीजिए आज हम किस तरह का एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आज हम कुछ इसी तरह का अमेजिंग थंडरस्टॉर्म इफेक्ट एनिमेशन इंट्रो अपने एंड्रॉइड फोन में, वो भी दोस्तों कैनवा स्टार की मदद से कैसे क्रिएट करना है आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहां पर इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यहां पर आपको दो एप्स को यूज करना है। एक का नाम है पिक्सल ऐप और दोस्तों दूसरे का नाम है कैनवा स्टार। दोस्तों, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो वहां पर आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सल ऐप ओपन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड पर थ्री डॉट्स मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों इमेज साइज के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों कस्टम, फिर YouTube थंबनेल एंड देन दोस्तों इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर यहाँ पर आपको एक लेयर्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है डिलीट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों इसको कर देना है ओके। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको जाना है यहाँ पर प्लेसमार के ऊपर और फ्रॉम गैलरी, और उसके बाद में दोस्तों जहां पर भी आपका लोगो है उसको दोस्तों यहां पर से आपको लोड कर लेना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं ये लोगो यूज कर रहा हूं और दोस्तों इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है हेक्सागन वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिलेटिव पोजीशन, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसको क्लिक करके यहां पर आपको इस तरह से बीच में अलाइन करना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए तो यहां पर आपको करेक्टली बीच में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसको कर देना है ओके। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको इसको कर देना है सेव। उसके लिए दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसडी कार्ड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके सेव एज इमेज कस्टम के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों अल्ट्रा क्वालिटी रख के सिंपली सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है यहां पर इस प्लस मार्क के ऊपर और दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर आपको फुल स्क्रीन इसको कर लेना है। कर दिया। कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कलर्स का, इसके अंदर से दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और दोस्तों इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है टू बैक करके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस लेयर्स का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो लोगो वाली लेयर है इसके ऊपर आपको टच कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कलर, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों इसको कर देना है एनेबल और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों आपको जाना है इसी लेयर के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट करना है और इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को दोस्तों यूज करके इसको मर्ज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एरेज कलर, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आपको सिंपली इसको एनेबल करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कलर सेलेक्टर, इसको सेलेक्ट करके इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको इसको भी कर लेना है सेव। सिंपली दोस्तों वही प्रोसेस को यूज करना है और इसको भी सेव कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इमेज हो चुकी है सेव। अभी दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर से एक्सिट कर देना है। एक्सिट हो जाने के बाद में दोस्तों काइन मास्टर ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काइन मास्टर ओपन हो चुका है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्लेस मार्क के ऊपर क्लिक करके 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमटी प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको जाना है सबसे पहले मीडिया के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और दोस्तों इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आने इसके स्टार्टिंग पोजिशन पर, फिर आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों अभी आपने जो पिक्सल लैब से जो लोगो सेव करा था उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है
कुछ इस तरह का इसके ऊपर सेलेक्ट करके फिटो स्क्रीन यहाँ पर आपको कर लेना है और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं दो मेन फोटेज है, इन दोनों के लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक एनर्जी है, इसको दोस्तों यहाँ पर आपको लोड करना है। और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग करके, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको इसको कर देना है स्क्रीन और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों इसी के ऊपर आपको टच करना है और इस तरह से जो है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपने जो पिक्सल ऐप से जो सेकंड वाली जो फोटेज आपने सेव करा था उसको दोस्तों यहाँ पर लोड करना है और वही प्रोसेस से दोस्तों सिंपली यहाँ पर जाके इसको भी जो है इस तरह से कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आपको इसको कर देना है सेव। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेयर वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो जो है वो रेंडर हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको जाना है पूरा बैग और फिर से एक बार प्लेस मार्क के ऊपर क्लिक करके और एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों सिंपली जाना है मीडिया के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर जाइए और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों यहाँ पर आना है इसके स्टार्टिंग पोजिशन पर, फिर आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक फोटेज है, ये जो मेन फोटेज, इसको दोस्तों यहाँ पर आपको लोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। सिंपली दोस्तों वही प्रोसेस से नीचे जाना है और यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग, इसको भी जो है आपको दोस्तों यहाँ पर इसे भी स्क्रीन कर लेना है और दोस्तों इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों उसी के ऊपर आपको टच करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से कर देने के बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो बैकग्राउंड वाली लेयर, इसके ऊपर टच करके दोस्तों जितना वीडियो है उतना आपको कर लेना है और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों आने यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली दोस्तों 5.3 करने आने के बाद आपको जाना है लेयर के अंदर और मीडिया के अंदर जाइए और दोस्तों आपने अभी जो एक्सपोर्ट करा था काइनमास्टर में सिंपली दोस्तों उसको लोड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों वही प्रोसेस, नीचे जाना है ब्लेंडिंग और इसको भी जो है स्क्रीन करके इसको भी कर देना है ओके। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग लुक दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपका इंट्रो मोस्टली क्रिएट हो चुका है, चलिए इसे एक बार मैं फाइनली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग दोस्तों इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आप भी कुछ इस तरह के थंडरस्टॉर्म एनिमेशन अपने एंड्रॉइड फोन में वो भी दोस्तों काइनमास्टर की मदद से ही क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।